Hello, this is Chandra Shekhar Sen from Government Polytechnic College Ajmer. दोस्तों आज के ई लेक्चर में हम मर्करी वेपर लैम्प के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग और उसकी वायरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के ई लेक्चर में हम डिस्चार्ज लैम्प के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डिस्चार्ज लैम्प क्या होते हैं कि इसकी डेफिनेशन अगर इस तरह देते हैं तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि लाइट इट प्रोड्यूस बाय अ पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ए वेपर। अगर कोई इलेक्ट्रिकल करंट वेपर के थ्रू पास हो रही है या किसी गैस के थ्रू पास हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू वेपर और गैस पास हो रही है और लाइट प्रोड्यूस कर रही है तो वो लैंप कहलाएंगे डिस्चार्ज लैंप। जबकि इनकैंडेंसेंट लैंप जो होते हैं उसके अंदर जो करंट फ्लो होती है वो वायर के थ्रू होती है, जैसा कि आपने बल्ब में देखा होगा, टंगस्टन जो बल्ब होते हैं उसके अंदर एक टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर करंट फ्लो होती है और वो हीट डेवलप करके उसके अंदर प्रकाश मिलता है। जबकि डिस्चार्ज लैंप में क्या होता है कि वेपर या गैस के थ्रू उसके आयनाइजेशन के थ्रू करंट उसमें से पास होती है और लाइट वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये डिस्चार्ज लैम्प कहलाते हैं। डिस्चार्ज लैम्प जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प इज अ डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है। सिमिलरली हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, ये भी एक डिस्चार्ज लैम्प है, और सोडियम लैम्प, ये भी एक डिस्चार्ज लैम्प है, तो ये डिस्चार्ज लैम्प है, ठीक है। तो मर्करी वेपर लैम्प एक तरह का नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे उसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है करंट की वैल्यू बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट जो दे रखा है, इफ द लैम्प कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज लाइक पावर लाइंस, और तो अगर डायरेक्ट हम इस लैम्प को वोल्टेज से जोड़ देते हैं कांस्टेंट वोल्टेज से तो करंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए हम जब भी मर्करी वेपर लैम्प या सोडियम वेपर लैम्प इस तरह के डिस्चार्ज लैम्प का यूज़ करते हैं तो एक बैलेस्ट का उपयोग हम करते हैं जो कि करंट को लिमिट करने के काम आता है। तो वायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैंने ये डायग्राम दिखा रखा है। देखिए इसके अंदर आपको दो इलेक्ट्रोड, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ जो आर्क ट्यूब है उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, और जो अल्ट्रावायलेट लाइट इनविजिबल जो हो रही है वहाँ पर डॉटेड मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। इसके वायरिंग डायग्राम आप लास्ट में देखेंगे कि यहाँ जो मैं बैलेस्ट की बात कर रहा था वो बैलेस्ट हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है जो कि लाइन वोल्टेज से कनेक्ट है और वो डायरेक्ट इसकी कैप में जाके इस मर्करी वेपर लैम्प को सप्लाई देता है। अब आगे इसकी किस तरह से वर्किंग होती है, कैसा कंस्ट्रक्शन है वो मैं आगे समझाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर मैंने मर्करी वेपर लैम्प का ये कंस्ट्रक्शनल डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है, मर्करी वेपर लैम्प। तो वैसे तो हर किताब में इसका, हर बुक में इसका अलग अलग डायग्राम है, पर ये एक बेसिक डायग्राम है जिसको हम समझेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो पार्ट्स हैं ये इसका पार्ट कहलाता है स्क्रू कैप। ये जो कैप होती है यानी कि इसके अंदर जो होल्डर होता है वो स्क्रू की तरह कसा जाता है, ठीक है, उसको कसकर हम इस तरह से इसको होल्डर में लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्लास का स्टेम दे रखा है, ये ग्लास का स्टेम है, दिस इज अ स्टेम। स्टेम से यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड निकल रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोड निकल रहे हैं, और ये दोनों ये स्टेम ग्लास का इन दोनों को सेपरेट करने के काम आता है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड दे दिए हमने, ठीक है। तो ये इसके इलेक्ट्रोड्स यहाँ से मतलब कनेक्शन हैं इलेक्ट्रोड्स के, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक साइड में एक हाई रेजिस्टेंस वायर है जो कि लगभग 10 किलो ओम का या 30 किलो ओम का यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रोड ये हमारा यहाँ पर मेन इलेक्ट्रोड से मिल गया, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये तो हमारा कहलाएगा मेन इलेक्ट्रोड,
और यहाँ नीचे की तरफ एक ये भी हमारा है मेन इलेक्ट्रोड, तो दो यहाँ पर मेन इलेक्ट्रोड जो कि इतनी दूरी पर एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ पास में जो ये दे रखा है ये कहलाता है हमारा स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, या इसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी कहलाता है और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी कहलाता है, जो कि टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, लाइट लैंप को इग्निशन करने का काम करता है, क्योंकि नाम इसका ऑक्सिलरी है तो ये किसी स्पेशल पर्पज के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। बीच में जो ये दे रखी है ये इसका एक तरह का लैंप का हार्ट है ये, ठीक है। दिस इज अ हार्ट ऑफ अ लैंप, इट इज अ आर्क लैंप, ठीक है। आर्क ट्यूब भी इसे बोलते हैं, आर्क ट्यूब भी इसे बोलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा मैंने आर्क ट्यूब, तो आर्क ट्यूब के अंदर जो मेन फंक्शन है, मेन इसका जो कार्यविधि है वो इसी ट्यूब के अंदर होती है। तो इसके अंदर हम ऑर्गन गैस भरते हैं, इसके अंदर हाइड्रो जो पारा होता है, पारे की कुछ मिलीग्राम्स ड्रॉप्स इसमें डालते हैं, और जो ऑर्गन गैस भरते हैं वो 25 to 50 टॉर के आसपास इसके अंदर हम डालते हैं, ठीक है। और ये बहुत हार्ड ग्लास की बनी होती है, ठीक है, जो जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और एक साइड में ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इसको हम इस ग्लास के द्वारा सपोर्ट कर देते हैं, ये यहाँ पर टॉप सपोर्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इस पूरे को एक दूसरे ग्लास, ये जो बल्ब के आकार का है, इस ग्लास के अंदर इसको हम प्लेस कर देते हैं। और इस बल्ब के अंदर हम जो नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आर्क ट्यूब की ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं। और ये जो साइड में ग्लास के चारों तरफ जो दिख रहा है ये फ्लोरोसेंट कोटिंग है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी लाइफ की हम बात करते हैं, तो फ्लोरोसेंट की मर्करी वेपर लैम्प है, इसकी जो लाइफ है वो लगभग 8,000 to 10,000 आवर्स होती है, लगभग 8,000 से 10,000 घंटे ये इसकी लाइफ है। और इसकी वाटेज की बात करते हैं तो 35 वाट to 1500 वाट तक ये हमको अवेलेबल होता है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो 65 से लेकर 110 ल्यूमन पर वाट है, और टेम्परेचर जो इसका होता है वो 900 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका जो टेम्परेचर है और इसकी जो लाइफ है उसके बारे में यहाँ बता रखा है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम लैम्प को सप्लाई देते हैं, लैम्प को एनर्जाइज करते हैं, तो एनर्जाइज करने के बाद क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में चूंकि गैप बहुत ज़्यादा है, गैप ज़्यादा होने से जो रिजल्टेंट वोल्टेज ग्रेडियंट है वो भी इतना हाई नहीं होता है, यानी इतना वोल्टेज इन दोनों के बीच में नहीं लग पाता है कि ये अंदर भरी हुई गैस को डिस्चार्ज कर दे, तो इसकी वजह से ये डिस्चार्ज नहीं होता है। लेकिन ये लैम्प इसको थोड़ा गर्म कर देता है, ठीक है, और गैस हमारी थोड़ी सी आयोनाइज्ड जो होने लग जाती है। लेकिन ये जो वोल्टेज हमने अप्लाइड किया ये इस और इस ये दो इलेक्ट्रोड के लिए तो सफिशिएंट होता है, काफ़ी इलेक्ट्रोड इन दोनों के जो काफ़ी वोल्टेज होता है जो इन दोनों के बीच में लगा होता है, तो ये इस वोल्टेज की वजह से मेन इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड इसके बीच में आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आयोनाइजेशन स्टार्ट होगा अंदर भरी हुई गैस को ये धीरे धीरे गर्म करना चालू होगा। तो हम देखेंगे कि मेन इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड इस दोनों के बीच में गैप भी कम है और सफिशिएंट वोल्टेज है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल डिस्चार्ज स्ट्राइक्स होंगे वो इस यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। अब सीरीज में आप देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करता है क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसको लिमिट करता है, और करंट इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयन्स और फोटॉन्स हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू कर देते हैं। और जब ये इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं तो ये जो डिस्चार्ज है वो मेन इलेक्ट्रोड के बीच में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कैरियर का काम कौन करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड्स फोटॉन्स जो होते हैं वो कैरियर का काम करते हैं। अब जब मेन इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्चार्ज शुरू हो जाता है तो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है वो बाईपास हो जाता है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती है, खाली मेन इलेक्ट्रोड से पाथ प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पाथ है इसका ये थ्रू इस तरह से शुरू हो जाता है, और जो अंदर की जो गैस है वो सारी गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, आयोनाइज्ड होने से ये गैस चमकने लग जाती है और हमारा बल्ब जो मर्करी वेपर लैम्प है ये ऑन हो जाता है।
तो इस लैम्प को ऑन होने के लिए लगभग 4 से 7 मिनट लगते हैं इसका कंप्लीट आउटपुट देने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये वर्किंग है कि किस तरह से ये लैम्प स्टार्ट होता है। इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये लैम्प इसके एप्लीकेशन जैसे ये फ्लड लाइटिंग के अंदर इसका यूज़ होता है, इंडोर लाइटिंग में भी यूज़ होता है इसका, लैंडस्केप में यूज़ होता है, और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पर इसका बहुत अत्यधिक उपयोग होता है। शोरूम्स के अंदर भी अधिक लाइटिंग की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है, और सुपरमार्केट में भी इसका उपयोग बहुत होता है। तो देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस वेयर वी यूज़ द मर्करी वेपर लैम्प। ठीक है, तो इस तरह से इस लैम्प के बारे में हमने देखा कि किस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या इसका वायरिंग डायग्राम है, और क्या इसकी वर्किंग काम करने का तरीका, किस तरह से ये बल्ब हमारा ऑन होता है, और इसका एक वायरिंग डायग्राम मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, वो आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।